तो यार मैं ऐसे ही अपने चैनल को देख रहा था और मैंने देखा बायो पे लिखा है टेक एंड हैक ट्यूटोरियल्स, और हमने टेक ट्यूटोरियल्स ही नहीं बनाए करीब 7-8 महीने से। तो बस फिर क्या था, मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट साइड करे और एक टेक ट्यूटोरियल बना मारा। तो हेलो गाइस, इज इट एक्सपर्ट अखिलेश कुमार सिंह, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टोरेंट का यूज करके एक लार्ज फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सेंडर डिवाइस में यू टोरेंट खोलना है या फिर कोई और टोरेंट क्लाइंट खोलना है, और उसमें फाइल पर जाकर हमें क्रिएट न्यू टोरेंट करना है। उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है कि हमको भेजना क्या है। हम चाहे तो एक डायरेक्टरी भेज सकते हैं या फिर कोई एक फाइल। तो हम यहाँ से एक डायरेक्टरी ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ACO। उसके बाद हम क्रिएट दबाएंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हमको अपनी फाइल कहाँ पर और किस नाम से सेव करनी है। तो यहाँ से हमने सेव कर दिया, तो ये सीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हमें इसकी टोरेंट फाइल अपने रिसीवर को भेजनी है, या फिर हम चाहें तो इसका मैग्नेट लिंक भी भेज सकते हैं। उसके लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना होगा और हमें दबाना होगा कॉपी मैग्नेट URI। तो यहाँ रिसीवर एंड पे हमें मिल चुकी है अपनी टोरेंट फाइल और हम इसको करेंगे डबल क्लिक। यहाँ से हम ओके दबाएंगे और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। या फिर हम मैग्नेट लिंक से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से हमने लिंक पेस्ट कर दिया और दबा दिया ओके। तो आप देख सकते हैं कैसे सीडिंग और डाउनलोडिंग एक साथ चल रही है। तो यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग खत्म हो चुकी है और हमें मिल चुकी हैं सारी फाइल्स, वो भी बिना कंप्रेशन के। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो और कमेंट में हमें बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनसे तुम अपनी लार्ज फाइल्स शेयर करना चाहते हो। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार टाइम बहुत हो गया और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।